बड़ा टमाटर ये देख सकते हैं। स्पेशली थैंक्स टू मेघना। Hello, welcome back to another vlog. So new day with a new vlog here again. तो आज का vlog होने वाला है कुछ normal होगा, आज का vlog घर पे ही होगा। So अभी तो फिलहाल आप लोग देख सकते हैं मेरे background में क्या है। तो as you can see आप लोग देख सकते हैं क्योंकि मैं एक बुद्धिस्ट हूँ। So अभी तो फिलहाल मैं यहीं पे सो रही हूँ क्योंकि एज यू नो मेरा पिछले वाला ब्लॉग पे मैंने बोल दिया है कि वहाँ पे मेरा रेनोवेशन का काम चल रहा है, तो फिलहाल मैं यहीं पे सोती हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं मेरा बेड के सामने ही मेरा चार्जिंग पॉइंट है। तो आज का दिन कुछ ऐसा है, आप देख सकते हैं धूप, तो पता नहीं दिन भर कितना धूप देगा। सो अभी फ़िलहाल तो मैं चाय इन्जॉय करूँगी पहले। तो फ्लावर भी दिखाती हूँ हम लोग के पास क्या है। ये तो कुछ है, नाम तो मुझे पता नहीं है। एक ये है और एक इसको, ये भी फूल ही है, आप सब देख सकते हैं। बस अभी ये रेडी हो रहा है और ये पता नहीं क्या है। और ये भी देख सकते हैं, सो प्रिटी। तो इंडोर प्लांट है, आप लोग देख सकते हैं ये 12 महीने ऐसे होगा। तो आप लोग को और मैं मेरा गार्डन का टूर दूंगी, सो लेट्स गो। यहाँ पे आप देख सकते हैं फूल और इसको हिंदी नेपाली में चमेली बोलते हैं और इंग्लिश में इसको जैस्मिन भी बोलते हैं। आप सब देख सकते हैं ये है। उसके बाद है ये सब तो इंडोर प्लांट है और ये तो साई पत्री फूल है। और चलो यहाँ देखते क्या है। और आप देख सकते हैं और ये भी रोज़, ये भी रोज़ है। और वहाँ पे भी देख सकते हैं वो है और एलोवेरा यहाँ पे, और यहाँ पे भी एलोवेरा एलोवेरा। तो चलते हैं यहाँ पे और इसको देखिए छोटा छोटा टमेटो, इसे चेरी टमेटो रूप टमाटो भी बोलते हैं। और ये रहा, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम लोग का घर पे, ये डल्ले मिर्ची देख सकते हैं। मिर्ची हुआ है एक, अभी तो बस फूल नहीं हो रहा है। हम लोग का पास अनार का भी गाछ था, मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा था वो अनार का गाछ। ओ हाँ मिल गया मिल गया, ये है अनार का, देख सकते हैं आप। ये हम लोग ने माटीगरा है जो बालासन ब्रिज है वहाँ से खरीदा था। तो एक बड़ा सा देख सकते हैं आप, ओ इसमें तो ये दिखाना आपको भूल गई। देखो तो यहाँ पे देख सकते हैं आप इतना बस एक ही हुआ है ये, और हो रहा है देख सकते हैं। मैं आप लोग को मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दिखाऊंगी मेरे लिए क्या इम्पोर्टेंट है। सो देख सकते हैं मेरा बेबी लोग है यहाँ पे, फर्स्ट बेबी, मेरा फर्स्ट बेबी और हो रहा है मेरा सेकेंड बेबी भी। तो अभी तो फिलहाल यहाँ पे एक टाइल्स है, कल ही लेके आया हूँ। सो मेरा सेकेंड बेबी, आप देख सकते हैं मेरा इम्पोर्टेंट है और मेरे
इन लोग के बिना कहीं नहीं जाती हूँ। सो तो अभी बजे सुबह के 8, तो अभी चलते हैं ब्रेकफास्ट बनाते। तो आज ब्रेकफास्ट में मैं बनाने वाली हूँ सेवई। एक्चुअली ये क्या हुआ था, एक मेरा भाई है वो मुस्लिम है, तो उस दिन ईद था, तो ईद मौके पे उसमें सेवई गिफ्ट किया है। सो थैंक्स ब्रदर फॉर दैट। बनाने में सबसे इजी है, इसको कुछ नहीं पड़ेगा, चीनी दूध और ये डालो, बस हो गया। अब ये थोड़ा 2 मिनट के लिए पकाना पड़ेगा, उसके बाद डन। तो ये रहा ब्रेकफास्ट, ठंडा खा के बताओ कैसा बना है। फर्स्ट क्लास। सो एज यू नो कि मैं वो वाला ब्रेकफास्ट नहीं करूँगी क्योंकि मुझे वगैरह पसंद नहीं है, तो मैं आज फिर से बनाने वाली हूँ। तो मैंने पीछे वाले मैंने वीडियो पे वो व्लॉग डाला था कि ट्राइंग कर रही फॉर द फर्स्ट टाइम, तो मेरा दोस्त ने मुझे बोला था कि तूने पानी कुछ ज़्यादा ही डाल दिया था, इसीलिए वो जाल नहीं हुआ। तो आज मैं ट्राई करूँगी पानी कम डाले, एकदम सूखा टाइप के। तो मैं अब इसको अच्छा से पका के एकदम पूरा ड्राई कर दूँगी। सो लेट्स ट्राई दिस। ये बिना पानी का है, देख सकते हैं एकदम सूखा है, तो ट्राई करते हैं। ओके, तो ये डेफिनेटली बहुत झाल है क्योंकि पिछले वाला व्लॉग पे मैंने जो डाला था वहाँ पे मैंने एकदम सूप टाइप का बनाया था, तो उतना झाल का पता नहीं चला। तो ये बिना झाल का, ये बिना पानी का है, तो इसमें पता चल रहा है एकदम आपको फ्लेवर, स्पाइसी फ्लेवर मिल जाएगा आपको। तो भैया लोग भी आके काम शुरू हो गया है, आपको दिखाती हूँ मैं। तो ये देख सकते हैं, और मैंने जो सेवई बनाए थे तो भैया लोग को भी देती हूँ मैं। मैं फिलहाल अभी तो गर्म कर रही हूँ, तो यहाँ पर रेडी चम्मच निकालना। देखे भैया लोग भी अच्छे से काम करेंगे। तो ये हुआ रेडी, आप 2 जन है तो 2 जन को मैं यहाँ पे रख दूँगी। सो अभी शाम भी हो गया, सो आज मैं सोच रही हूँ कि आज चिकन मोमो बनाया जाए, पर मोमो हम लोग मैदा का नहीं आटा का यूज़ करते हैं क्योंकि मैदा को फिर डाइजेस्ट होने में भी टाइम लगता है। तो फिलहाल चिकन लेके आई हूँ और प्याज काट के रखा है और यहाँ पे तेल है, तो मैं ये सबको तेल पे फ्राई करके उसके बाद बनाना स्टार्ट करूँगी। तो गाइस, मैंने कितनी जब से मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया है तब से मैं सोच रही थी मैं कुछ ना कुछ तो स्लोगन एक एंड में डालूँगी, तो फर्स्ट तो आज वो स्लोगन आप लोग को सुनने का मौका मिलेगा। अब हर एक ब्लॉग पे एंड में वो जो स्लोगन है वो मैं बोलूँगी और आपको भी वो याद करना पड़ेगा, और एंड ऑफ द वीडियो में वो स्लोगन में जब भी बोलूँगी। सो इस ब्लॉग से मैं एडिट करूँगी, सो वो आपको एंड में पता चलेगा, सो देखते रहे। सो फिलहाल के लिए तो अभी मैंने ये मसाला तो रेडी किया है, मैं इसे बना के यू नो मोमो बनाती हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा वो मीट कच्चा भी नहीं रहेगा और जूसी भी रहेगा। सो अभी अचार के लिए मैंने टमाटर और थोड़ा सूखा हुआ मिर्ची और धनिया पत्ता है,
मैंने यहाँ पे आटा गूंद के रखा हुआ है, सो मैंने यहाँ पे ईस्ट डाल के बनाया हूँ, सो इसे हम लोग को रखना पड़ेगा। सो पहले मैं बनाऊँगी अचार, और उसके बाद अचार के बाद ही मैं नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करूँगा। सूप और के रेडी, सो इसी के साथ हुआ ब्लॉग एंड। और मैंने आपको बोला था मैं वो स्लोगन वर्ड यूज करूंगी, और एवरी वीडियो के एंड में वो स्लोगन मैं ऐड करूंगी, और वो स्लोगन स्पेशली थैंक्स टू मेघना और मैंने उन लोग ने मिल के बनाया है, सो आई विल गो विद दैट। सो इट्स जिंदगी को गाड़ी आफ्नो आफ्नो सवारी। ओके, सो ये स्लोगन आप लोग भी याद कीजिए, आप लोग मिलने से मुझे कह भी सकते हैं, सो दैट विल बी वेरी ग्रेट। सो हाँ, इसी के साथ हुआ ब्लॉग एंड। सो जिंदगी को गाड़ी आफ्नो आफ्नो सवारी।